मैम एक यहाँ उंगली फिंगर में मैंने जो है वो वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है जिन जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले तो इस अधिकार का फायदा उठाए। देखिए हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं दो महीने के छोटे से अंतराल में, ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है उनका लोहा जो है पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी को जो है यहां पर भी हम लोग चार की चार सीटें जो है वो मोदी जी ध्यान करने गए हैं, सवाल उठा रहा है मोदी जी ध्यान लगा रहे हैं, अभी मोदी जी जो है वो ध्यान अभी नहीं कर रहे हैं। वो जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे, उसमें क्या पता। अवश्य ही 400 पार में चार की चार जो है हिमाचल की सीट। चौबीस ये तारीख भारत का भविष्य तय करने जा रही है। 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.